तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप पता कर सकते हैं अगर आपका फ़ोन हैक है। अगर आपका फ़ोन हैक है तो इसे आप कैसे पता करेंगे कि किसने आपका फ़ोन हैक किया है। बेसिकली इसमें ये तो नहीं जानेंगे कि किसने आपका फ़ोन ये हैक किया है, लेकिन अपन ये पता कर सकते हैं कि क्या हमारा एंड्रॉयड फ़ोन हैक है। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे पता कर सकते हैं आपका फ़ोन हैक या नहीं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आशीष, आप देख रहे हैं टेक्नो पाठशाला। तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ कई सारे कारण हो सकते हैं आपके फ़ोन को हैक करने के, या तो आपका डेटा चोरी करना होगा या फिर कुछ भी मान लीजिए। आप तो यहाँ पे आपके फ़ोन में हैक होता किस लिए है, मतलब कह सकते हैं कि हैक होता कैसे है। बेसिकली मैं आपको बता दूँ, कोई भी फ़ोन हो, कोई भी सिस्टम हो, उसमें कोई मेलवेयर डालकर इंस्टॉल कर दिया जाए और उस मेलवेयर को कोई और पर्सन कंट्रोल करे, एक तरह का एक सॉफ्टवेयर ही होता है, OS होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे और कोई कंट्रोल करे, ऐसे होता है फ़ोन हैक। तो चलिए जानते हैं किन किन कारणों की वजह से आपका फ़ोन हो सकता है। सबसे पहला कारण आता है चेक लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन। आप सबसे पहले अपने मोबाइल के एप्लीकेशंस की लिस्ट चेक कीजिए, क्या उसमें कोई ऐसी एप्लीकेशन पड़ी हुई है जो आपने इंस्टॉल नहीं की है और अपने आप ही इंस्टॉल हो गई है। सबसे पहले वो लिस्ट चेक कीजिए। अगर आपको कहीं भी ऐसी एक एप्लीकेशन मिलती है जिसे आप यूज़ कभी नहीं किया है या फिर कह सकते हैं कभी इंस्टॉल नहीं किया है और वो इंस्टॉल है, तो समझ जाइए आपका फ़ोन शायद हैक भी हो सकता है। ये सबसे बड़ा मेन कारण है। दूसरा कारण आता है, वो है चेक योर बैटरी यूजेज। आपने देखा होगा कई बार हमारी बैटरी हम यूज़ करते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि हमारा फ़ोन कितने घंटे चलेगा या फिर कितने घंटे चल सकता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका कोई फ़ोन कोई भी हैक किए होगा तो आपकी बैटरी ड्रेन सबसे ज़्यादा होगी, मतलब कह सकते हैं आपकी बैटरी की खपत इतनी ज़्यादा होगी कि 2 गुना से 3 गुना ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए आप अगर नॉर्मली फ़ोन चलाते हैं 2 से 3 घंटे चल रहा है तो वो फिर 50 मिनट या 60 मिनट ही चल पाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में कोई ना कोई डेटा की प्रोसेसिंग होती रहती है जो कि वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा कोई ना कोई, जिसके थ्रू बैटरी के यूजेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी और आपकी फ़ोन की बैटरी ड्रेन हो जाएगी। आप उसे चेक कर सकते हैं, आप अपनी सेटिंग में जाइए, वहाँ देखिए बैटरी यूजेस का ऑप्शन आएगा, वहाँ देखिए और हिस्ट्री से कंपेयर कीजिए अपनी बैटरी पहले कितनी खाती थी ये एप्लीकेशन और कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपकी अभी बैटरी ज़्यादा खा रही है। तो इससे आपको पता चल सकता है कि कौन सी एप्लीकेशन आपके फोन को हैक कर रही है। अगला कारण आता है मैसेज बॉक्स। आप अपने मैसेज को देखते रहिए कि आपके फोन में कहीं ऐसा तो नहीं अजीब टाइप के मैसेज आ जाते हैं, आपको परमिशन ही नहीं है, मतलब ऐसी किसी अचानक मैसेज आ जाए जो कि आपके पास वो है ही नहीं, या फिर आपका फोन ये भी देखते रहिए कि आपका फोन से मैसेज तो नहीं जा रहा है आपके बिना, मतलब आपने कोई परमिशन भी नहीं दिया है, फिर कह सकते हैं आपका ऑटो मैसेज भी नहीं है, या फिर कह सकते हैं आप मैसेज भी नहीं करते हो फिर भी किसी को मैसेज जा रहा है, तो इसका मतलब ये है आपके फोन में कोई ना कोई मैलवेयर इंस्टॉल्ड है। उसे जल्दी से जल्दी या तो आप फ्रेश कर दीजिए या फिर कह सकते हैं फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए। अगले कारण की तरफ आते हैं, वो आता है चेक योर डेटा यूजेस। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देख लीजिए आपको अगर आप जियो चलाते हैं, जो भी सिम चलाते हैं, तो आप देखिए आप या तो 500 MB रोज की यूज़ कर रहे हैं या फिर 700 MB, जितना भी यूज़ कर रहे हैं, आप देखिए अगर आपका फ़ोन हैक होगा तो आपका डेटा ज़्यादा यूज़ होगा। कह सकते हैं कि आपने अगर आज 1 GB यूज़ किया तो शायद अगर आपका फ़ोन हैक होगा तो आपका डेटा रोज 1.5 GB से ऊपर कट रहा हो शायद, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ एप्लीकेशन वो काम कर रही है जिसके थ्रू डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि हमारा फ़ोन हैक है या नहीं। अगला कारण आता है, वो है इंस्टॉल के समय ये देख लीजिए कोई ऐसी एप्लीकेशन तो नहीं है जो आप कुछ इंस्टॉल कर रहे हैं और आपका फ़ोन इंस्टॉल में परमिशन ही नहीं बना मांग रहा है। नहीं, आप देखिए कभी भी कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए तो आपको परमिशन मांग रहा है, कैमरा एक्सेस की, वॉइस एक्सेस की, गैलरी एक्सेस की, डिवाइस एक्सेस की, सारी परमिशन मांगता है। क्या आपको ऐसी कोई एप्लीकेशन मिलती है जो कि परमिशन नहीं मांग रही है बिल्कुल भी, तो समझ जाइए वो एप्लीकेशन आपका फ़ोन हैंग कर सकती है। तो यही थे कुछ कारण जिसके जरिए आपका फ़ोन हैंग हो सकता है। और मैं आपको बता दूँ, कुछ ऐसी भी एप्लीकेशन होती है आपके डिवाइस में जो कि आपको ऐड शो करती रहती है, तो वो भी एक मेलवेयर होता है कहीं ना कहीं, वो आपके फ़ोन में ऐसे इंस्टॉल हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी स्क्रीन पे भी नहीं दिखेंगी और वह आपके फ़ोन में इंस्टॉल रहेंगी और आपको एड्स शो करती रहेंगी। तो इसे ढूंढने के लिए सबसे पहले आप अपनी सेटिंग में जाइए, वहाँ पे स्क्रॉल कीजिए नीचे ऐप्स में आपको मिल जाएगा एक ऐप जिस पे कोई नाम नहीं होगा, जिस पे कोई लोगो नहीं होगा, वहाँ पे जाके आप उसे डिलीट कर सकते हैं। यही थे कुछ कारण जिसके जरिए आपका फ़ोन हैंग हो सकता है और आप पता लगा सकते हैं कि कैसे हमारा फ़ोन हैंग होने से बच सकता है। और यही कारण, अगर इनमें से कोई भी एक कारण आपके फ़ोन में हो रहा है तो समझ जाइए शायद आपका फ़ोन हैंग है। तो बताइए मुझे कमेंट से कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए जुड़े हैं, रोजाना टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोज़ देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं।